हेलो व्यूअर्स, इन टुडे सेशन वी वुड बी टेकिंग द सीरीज ऑफ कैलेंडर अहेड। इसके पहले के वीडियो में हमने ये देखा था कि हम लीप ईयर और नॉर्मल लीप और नॉन लीप ईयर को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और इसमें हमने ये भी देखा था कि हम सेंचुरी ईयर्स को हमारा कंडीशन क्या होता है और नॉन सेंचुरी ईयर्स के लिए क्या कंडीशन होता है। नाउ इन टुडेज डिस्कशन वी वुड बी कैलकुलेटिंग द ऑड डेज। नाउ बिफोर गोइंग इन टू द फर्दर डिटेल्स लेट मी एक्सप्लेन यू द टर्म ऑड डेज। ऑड डेज इज बेसिकली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ अ वीक। नाउ जनरली अगर हम वीक की बात करते हैं, अ वीक हैज सेवन डेज। सो अगर हम पर्टिकुलरली किसी भी मंथ की बात कर रहे हैं, सो ऑफन वी फाइंड दैट लाइक मंथ स्टार्ट विथ संडे एंड एंड्स विथ वेंसडे और थर्सडे, ऐसा कई बार हमने देखा है। तो जब हम ऑड डेज की बात करते हैं, सो ऑड डेज आर द एक्स्ट्रा डेज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ वीक। तो अगर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि सपोज दैट अ मंथ स्टार्ट्स विथ सैटरडे, ओके, एंड एंड्स विथ संडे, ओके, सैटरडे को स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है संडे को, तो वीक तो हमारा एक्चुअली क्या होता है, सैटरडे टू फ्राइडे, दैट इज सेवन डेज। तो अगर हम ये कोट कर रहे हैं तो ऑड डेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सैटरडे से अगर हमारा फ्राइडे तक पूरा हफ्ता कंप्लीट हो रहा है, तो सैटरडे संडे टू एक्स्ट्रा डेज वुड बी काउंटेड एज ऑड डे। एंड इसका रेलेवेंस बहुत ज़्यादा रहता है जब हम कैलेंडर के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आज के डिस्कशन में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी गिवन ईयर है तो उसके लिए हम कैसे ऑड डेज कैलकुलेट करते हैं एंड व्हाट आर द रिक्वायर्ड कंडीशन। सो एज वी हैव आइडेंटिफाइड कि अगर हम ऑड डेज की बात करते हैं, सो दीज आर द एक्स्ट्रा डेज दैट आर डिफाइंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ वीक। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ अ ऑड डे एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन कि हम लीप ईयर की बात कर रहे हैं कि नॉन लीप ईयर की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के लिए हमारे नंबर ऑफ डेज अलग होते हैं। तो ऑब्वियसली हमें ये भी कंसेप्ट को टचअप करना पड़ेगा। सो अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं तो लीप ईयर हैज 366 डेज, एंड अगर हम नॉन लीप ईयर की बात करते हैं तो इट हैज 365 डेज। नाउ वील अंडरस्टैंड कि अगर हमारे पास जो है, अगर लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, तो उसमें से हम अपने नंबर ऑफ ऑड डेज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, जब हमने लीप ईयर की बात की तो इट हैज 366 डेज, और ऑड डेज को जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो व्हाट इज द क्राइटेरिया वी आर टेकिंग? वी आर टेकिंग द क्राइटेरिया ऑफ अ वीक। हफ्ते से जो भी दिन एक्स्ट्रा होंगे दे वुड बी डिफाइंड एज द ऑड डेज। तो इसका मतलब जब हम ऑड डेज कैलकुलेट करते हैं तो व्हाट इज द कंडीशन वी लुक फॉर? द कंडीशन इज वी हैव टू चेक द डिविजिबिलिटी, वी हैव टू चेक द डिविजिबिलिटी विथ सेवन, और जो भी उसका रिमाइंडर होगा दैट रिमाइंडर विल गिव अस, बेसिकली हमें उसको डिवाइड करना है। वी डोंट हैव टू चेक द डिविजिबिलिटी, वी हैव टू डिवाइड दैट वैल्यू विद सेवन, और जो भी रिमाइंडर होगा दैट रिमाइंडर विल गिव अस द नंबर ऑफ ऑड डेज। नाउ सबसे पहले सपोज हम आइडेंटिफाई करते हैं कि नॉन लीप ईयर में हमारे कितने ऑड डेज होते हैं। सो नॉन लीप ईयर हैज हाउ मेनी लाइक डेज? A non-leap year has 365 days. ठीक है, अगर 365 days है तो simple हम इसको 7 से divide करेंगे। क्यों 7 से divide करेंगे? क्योंकि we are just talking about the completion of a week, हफ्ते से जो भी extra days हुए, and हफ्ते में कितने days होते हैं? It has 7 days. So simple हमने इसको divide कर दिया 365 से, so 7 fives are 35. वन रिमाइंडर, सेवन टूज आर 14. ओके, सो व्हाट वी कैन कोट कि जब हम नॉन लीप ईयर की बात करते हैं और नॉन लीप ईयर हैज 365 डेज, तो अगर हम उसमें नंबर ऑफ ऑड डेज आइडेंटिफाई करें तो दैट कुड बी कंसिडर्ड एज 52 वीक्स प्लस वन ऑड डे। और ये वैल्यू हमारी आई कहाँ से? 52 हमारा कोशेंट हो गया, एंड दैट कोशेंट विल गिव अस द नंबर ऑफ वीक्स, और वन हमारा क्या हो गया? रिमाइंडर। जो रिमाइंडर होगा दैट विल गिव अस वन और डे। एज आई हैव कोटेड, आप वो वैल्यू को डिवाइड कर लीजिए सेवन से, और जो भी रिमाइंडर होगा
वो हमें ऑटिज देगा। तो इसका मतलब जब हम नॉन लीप ईयर की बात करते हैं तो इट हैज 52 वीक्स एंड वन ऑट डे। सेम वे हम एक लीप ईयर के लिए भी कैलकुलेशन देख लेते हैं। लीप ईयर में हमारे कितने डेज होते हैं? 366 डेज। अब हम इसको भी 7 से डिवाइड कर लें, 7 से डिवाइड कर लेंगे सो दैट विल बी 7 5 35, वन रिमाइंडर 15। सॉरी आई जस्ट चेंज इट, इट इज एक्चुअली 366, ओके, क्योंकि अ लीप ईयर हैज 366 और हम लीप ईयर का कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो 7 हमारा 2 14 हो जाएगा, सिक्सटीन, 7 2 14, रिमाइंडर बच गया 2। इसका मतलब अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं तो लीप ईयर हैज 52 वीक्स एंड 2 ऑड डेज। तो आज के हमने डिस्कशन को अगर हम समराइज करें तो हमें आइडेंटिफाई करना था या कैलकुलेट करना था कि ऑड डेज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ऑड डेज के बारे में अगर हम कोट करते हैं तो व्हाट आर डेज, दीज आर द एक्स्ट्रा डेज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ वीक। और अगर हम नॉन लीप ईयर की बात करें तो नॉन लीप ईयर हैज 365 डेज एंड दोज 365 डेज कैन बी कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू 52 वीक्स एंड वन ऑड डे। सेम वे अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं, अ लीप ईयर हैज 366 डेज एंड 366 डेज मीन्स 52 वीक्स एंड 2 ऑड डेज। सो दिस इज द बेसिक थिंग हाउ वी कैन स्टार्ट विथ, क्योंकि कैलेंडर के लिए ऑड डेज हमारा कैलकुलेट करना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे वेदर वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ अ लीप ईयर और अ नॉन अ लीप ईयर। सो विल वाइंड अप विथ टूडेज डिस्कशन ओवर हियर। थैंक्स अ लॉट। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली शेयर करिएगा। कीप ऑन शेयरिंग माई वीडियोज, कीप ऑन लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई वीडियोज। Thanks a lot.